चुनावों से ठीक पहले महाराष्ट्र में एनडीए को अब नया झटका लग गया है। सीट शेयरिंग पर अभी तक बात फाइनलाइज नहीं हो पा रही है और इसी बीच में अजीत पवार जो कि एनसीपी के हैं उन्होंने दो चेतावनी दे दी। एक तो वो सीटों पर अड़ गए हैं, कह रहे हैं कि मुझे 7 सीटें चाहिए, और दूसरा उन्होंने धमकी दे दी है कि अगर आप शिंदे को धमकी दी, अगर आप अपने नेता विजय पर कार्रवाई नहीं करते हो, क्योंकि वो मेरे खिलाफ बहुत अच्छी लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं, अगर उनको आप सैक नहीं करते हो यानी निकालते नहीं हो, तो मैंने तो एनडीए छोड़ देना है यानी महायुति छोड़ देनी है। और अब इस सीट शेयरिंग का नया गणित सामने आया है, तो आप जल्दी से देख लीजिए कि महाराष्ट्र में एनडीए में दरार क्यों आ गई है। तो देखिए अजीत पवार का कहना है जो कि एनसीपी के हैं कि भैया मुझे तो 7 सीटें चाहिए। और कौन कौन सी 7 सीटें चाहिए? बारामती जो उनको अपनी बीवी के लिए चाहिए, शिरूर, रायगढ़, सतारा, धाराशिव, परभणी और गढ़चिरौली, ये 7 सीटों पर अजीत पवार दावा कर रहे हैं। लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये जो गणित आप देख रहे हैं कि शिंदे को 13 सीटें मिल सकती हैं, अजीत पवार को सिर्फ 5 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी 30 सीटों पर लड़ सकती है। तो देखिए टोटल हो गया 48 जो कि लोकसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में। और प्रफुल्ल पटेल जो कि एनसीपी के हैं उनका कहना है कि भैया सतारा तो हमारा है, और अगर दूसरी ओर मैं बात करूं तो इसी सतारा सीट पर बीजेपी के जो राज्यसभा नेता हैं उदयन राजे भोसले, उन्होंने शाह के साथ मीटिंग की पिछले 3 दिन से। 3 दिन से वो शाह के पास अड़े हुए थे कि भैया सतारा सीट तो मुझे चाहिए, क्योंकि वो इच्छुक हैं सीट से लड़ने के लिए। और प्रफुल्ल पटेल जो कि एनसीपी के, उन्होंने कहा है, दावा किया है कि हम सतारा तो नहीं देंगे। और एक और बात देख लीजिए कि भोसले शिवसेना अधराव एनसीपी से लड़े, दिल्ली मुंबई में लगातार बैठक, पिछले 1 दिन पहले तो दिल्ली में बैठक होती है उसमें कोई नतीजा नहीं निकलता है, और आज मुंबई में शिंदे के घर पर बैठक हुई है और उसमें ये डिसाइड हुआ है कि एक सीट तो अभी आरएसपी जो कि राष्ट्रीय समाज पक्ष है उसको भी दी जाएगी। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊं, पहले आप ये देख लीजिए कि एनसीपी ये भी कह रही है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भोसले जो कि बीजेपी के हैं वो सतारा से लड़ना चाह रहे हैं लेकिन वो एनसीपी की टिकट से लड़े, ये हम बर्दाश्त कर सकते हैं, और जो शिवसेना अधराव हैं वो भी एनसीपी की टिकट से लड़े, तो इसमें हम थोड़ी सी जो है सेटलमेंट कर सकते हैं। अब आगे आइए, मैंने आपको क्या बताया कि अभी तो जो ये फॉर्मूला सामने आया है इसमें जो आज मुंबई में बैठक हुई है उसमें ये डिसाइड हुआ है कि एक सीट आरएसपी को दी जा सकती है, आरएसपी के जो महादेव जानकर हैं उनको एक सीट मिल सकती है और मिल ही गई है, ऐलान हो गया है, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं है कि वो सीट माड़ा होगी या फिर परभणी होगी, क्योंकि इन दोनों में से अभी जो सुई है वो अटकी हुई है, क्योंकि ऐलान नहीं हुआ है कि कौन सी सीट उतर सकती है। और देखिए जो विजय सिंह है वो भी इस सीट पर, जो बीजेपी के विजय सिंह है वो भी इस माड़ा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो अभी इसमें असमंजस में है। लेकिन अगर महादेव जानकर को टिकट मिलती है तो अगर आप ये देखिए कि बीजेपी तो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी नहीं, तो या तो शिंदे की एक और टिकट कम होगी या फिर अजीत पवार की एक और टिकट कम होगी, तो और ज़्यादा एनडीए में दरार बढ़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों से लगातार मैराथन मीटिंग चल रही है और जो अमित शाह है वो लगातार इसमें महायुति की जो सीट शेयरिंग है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच अजीत पवार ने चेतावनी दे दी है शिंदे को कि जो विजय शिवतारे आपके नेता हैं यानी शिंदे गुट के नेता हैं, आप अगर उन पे कोई एक्शन नहीं लेते हो शिंदे, और अगर आप उनको नहीं निकालते हो, तो अजीत पवार गुट यानी अजीत पवार एनडीए से अलग हो सकते हैं। उन्होंने विजय शिवतारे, क्योंकि बार बार ये देखा गया है कि जो विजय शिवतारे हैं वो बार बार अजीत पवार के खिलाफ कुछ लैंग्वेज यूज करके उनके ऊपर हमला करते हैं। और देखिए जो पूरी लड़ाई है वो बारामती सीट की है, क्योंकि विजय शिवतारे चाहते हैं कि वो बारामती सीट से लड़े और ये शिंदे गुट के हैं, और ये जो बारामती सीट है इस पर अजीत पवार अपनी बीवी के लिए वो ये बारामती टिकट चाहते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वहां की मौजूदा सांसद हैं वो अभी कौन है, सुप्रिया सुले, तो अभी वो वहां से सांसद है, और कौन है वो, शरद पवार की बेटी है। तो देखिए बारामती पे पूरी लड़ाई है, बाकी की और सीटों पर लड़ाई है, तो अभी महाराष्ट्र में एनडीए पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यानी महायुति पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि आगे इस सब में क्या एनडीए टूट जाता है फिर या फिर सीट सेटलमेंट हो जाता है। सोर्सेस की तरफ से ये भी खबर आई है कि जो आरएसपी को एनडीए टिकट देने वाली है यानी महायुति टिकट देने वाली है वो इसलिए ताकि वो शरद पवार के साथ ना चले जाएं, लेकिन अब जो है आरएसपी ने ऐलान कर दिया है कि हम तो महायुति के साथ हैं। और दूसरा कहीं ना कहीं एनडीए ये भी कोशिश कर रही है कि पहले इंडिया गठबंधन की टिकट सामने आ जाए फिर उसके बाद हम अपनी टिकट निकालें, कहीं ऐसा ना हो कि हमने ही पहले अपने सारे नामों की घोषणा कर दी और उसके बाद नेता नाराज हो के इंडिया गठबंधन में चले जाएं। तो ये सारी पॉलिटिक्स चल रही है अभी महाराष्ट्र में और सबकी निगाहें वही हैं। आप न्यूज़24 देखते रहिए, मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें,
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।